सफाई में अव्वल शहर इंदौर ने साबित कर दिया है। हर बार सफाई में पहले स्थान पर इंदौर का नाम क्यों आता है। इंदौर नगर निगम ने रंग पंचमी पर शहर में गैर निकलने के बाद तेजी से सफाई अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद भी नगर निगम कर्मचारियों ने गैर मार्ग की साफ सफाई की और महज कुछ घंटों में ही सड़कों को साफ कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, क्योंकि फिर एक बार इंदौर शहर ने ये साबित कर दिखाया है कि क्यों स्वच्छता पर नंबर वन पर इंदौर हमेशा आता है। और ऐसे में जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी, रंग पंचमी के दिन गुलाल उड़ाए जा रहे थे, रंग उड़ाए जा रहे थे, और ऐसे में कुछ ही घंटों में फिर एक बार साफ सफाई की गई, इतनी तेजी से साफ सफाई की गई, इस पर क्या कुछ जानकारी है? निश्चित ही श्रावणी, इंदौर 5 बार देश में स्वच्छता में नंबर 1 रहा है और 6ठी बार आने के लिए ये कहा जाए कि इंदौर के अंदर लगातार कोशिशें की जा रही है। साफ तौर के ऊपर ये जाहिर होता है कि इंदौर का शासन, प्रशासन और जनता, इन तीनों का समन्वय जो है कहीं ना कहीं इंदौर शहर को अव्वल रहने में आगे रखता है। सफाई में नंबर 1 है निश्चित ही। कल रंगपंचमी पर ये कहा जाए कि दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर के रंगपंचमी पर गेर निकलती है, 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। लगभग ये कहा जा सकता है कि गुलाल और रंग की फुहारें ही पूरे फिजा के अंदर नजर आ रही थी। इंदौर में ये कहा जाए कि हर जगह पर आपको रंग और गुलाल ही नजर आ रहा था, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। 5 लाख लोग राजवाड़ा पर इकट्ठा हुए, लगातार खुशियां मनाई गई, रंगपंचमी मनाई जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही रंगपंचमी की गेर का वक्त खत्म हुआ, उसी के साथ ही तुरंत नगर निगम का अमला तकरीबन 10 वॉशिंग मशीन्स और 700 कर्मचारियों के साथ में मैदान में जुट गया। कोशिश इस बात की जा रही थी जिस रास्ते से गेर निकल जाती थी वहां से सफाई शुरू की जाए। महज 2 घंटे के अंदर श्रवणी, आई एम टेलिंग यू, 2 घंटे के अंदर इंदौर शहर की सड़कों को साफ और शफाफ कर दिया गया। निश्चित रूप से ये क्रेडिटेबल है। क्रेडिटेबल इसलिए है क्योंकि इमीडिएट एक्शन लिया गया। और श्रवणी, मैं यहाँ भी थोड़ा सा तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो यू माइट बी सीइंग कि यहाँ भी सड़क साफ है, यहाँ से भी गेर निकली थी, यहाँ से भी कुछ गोलियां निकली थी। बने रहे हमारे साथ।